Borani and you are watching Beauty with Borani. So guys, जो लोग मेरे चैनल में एकदम न्यू हो please subscribe my channel and side में जो bell icon है उसे भी आप press कर दीजिए ताकि मेरा video का notification सबसे पहले आपके पास जाए. So guys, आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत सा quick review share करूँगी. सो मैंने कुछ दिन पहले एक प्रोडक्ट खरीदा था तो उसका ही मैं आज आप लोगों के साथ अनबॉक्सिंग करूँगी एंड उसको यूज़ करके भी बताऊँगी कि वो कैसे यूज़ होता है. सो मैंने ख़रीदा है आइकॉनिक प्रोफेशनल का एक स्ट्रेटनर. आप इस स्ट्रेटनर को आइकॉनिक के साइट या नायका कहीं से भी खरीद सकते हो. सो इसका प्राइस है 4000 रुपीज़ एंड मैं आज इसका ही अनबॉक्सिंग करूँगी एंड आपको यूज़ करके भी बताऊँगी कि ये वाला स्ट्रेटनर कैसे यूज़ होता है एंड उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है. सो गाइज, आप लोग तो जानते ही कि आइकॉनिक हेयर स्ट्रेटनर या आइकॉनिक का हेयर का सभी गैजेट्स कितना अच्छा होता है. सो चलिए इसका हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं एंड आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है एंड आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हो. तो अब देख सकते हो यहाँ पर है स्ट्रेटनर एंड अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स भी है. इसे हम साइड में रख देते हैं एंड इसको खोल के दिखाते हैं कि कैसा है. सो गाइज, आप लोग देख सकते हो ये रहा स्ट्रेटनर. अंदर का प्लेट रेड कलर में है और बाहर का कलर है ब्लैक. ऊपर लिखा भी है आइकॉनिक प्रोफेशनल और S3 का है ये वाला स्ट्रेटनर एंड इतना बड़ा इसका कॉर्ड है. अब देख सकते हो कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. आप इजीली इसको यूज कर सकते हो. आप देख सकते हो कि ये वाला 360 डिग्री भी रोटेट होता है तो आपको बहुत ही आसानी होगा जब आप ऐसे करके कुछ स्ट्रेटनर या स्ट्रेटनर से कर्ल करते हो तो आपको बहुत ही आसानी हो. एंड गाइज, आप देख सकते हो स्ट्रेटनर कितना अच्छा है और पूरा राउंड शेप में है. आप इससे इजीली अपना कर्ल्स भी कर सकते हो क्योंकि इस पोर्शन राउंड में है एंड इसका प्लेट भी बहुत ही अच्छा है. इसका क्वालिटी और ये सिरामिक प्लेट है जिससे आपका बाल बहुत ही सिल्की और स्मूथ होता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा है, रेड कलर में है. और अंदर है टेम्परेचर, आप अंदर से सेट कर सकते हो. यहाँ पर स्विच ऑन ऑफ बटन है और इधर है आप प्लस और माइनस. इधर से आप टेम्परेचर ज़्यादा या कम कर सकते हो. चलिए गाइस, हम इस स्ट्रेटनर को यूज़ करके बताते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं. गाइस, पहले बाल को अच्छे से कॉम करना है ताकि कोई नॉट्स ना रहे. फिर हेयर स्ट्रेटनिंग करने से पहले हेयर में कुछ हेयर प्रोटेक्शन स्प्रे या क्रीम या जेल आप लगा सकते हो और लगाना भी चाहिए हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले. तो मैं आज यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल. आप इसको इजीली हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले आप यूज़ कर सकते हो. और आपको हेयर स्ट्रेटनिंग से पहले हेयर प्रोटेक्शन क्रीम, जेल या स्प्रे यूज़ करना
चाहिए, इससे आपका बाल कम डैमेज होता है। सो गाइस चलिए हम लोग हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस स्ट्रेटनर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम पहले ऑन करेंगे, सो हम इस बटन को ऑन करेंगे। आप देख सकते हो ग्रीन कलर का लाइट जल रहा है। सो यहाँ से हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। मैं यहाँ पर 210 में रख रही हूँ टेम्परेचर। फिर हम एक हाथ में एक कॉम लेंगे और एक हाथ में स्ट्रेटनर। फिर यहाँ से थोड़ा सा बाल लेकर कॉम को अंदर रखेंगे और धीरे धीरे से हमको स्ट्रेटनिंग करना है। आप देख सकते हो एक ही बार में इतना सुंदर हुआ है स्ट्रेटनिंग। फिर आपको पूरा बालों में धीरे धीरे करना है स्ट्रेटनिंग एंड थोड़ा थोड़ा सा बाल लेकर ही आपको स्ट्रेटनिंग करना है। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने एक साइड का हेयर स्ट्रेटनिंग कर लिया एंड अब दोनों साइड का डिफरेंस आप देख सकते हो। इधर का हेयर कितना फ्रीजी और अनमैनेजेबल लग रहा है और इधर कितना सिल्की सॉफ्ट एंड स्ट्रेट लग रहा है। आप देख रहे हो मेरे बाल में एक भी नॉट्स नहीं है और कितना सॉफ्ट एंड सिल्की हो गया मेरा बाल एंड इस तरफ आप देख सकते हो। दोनों साइड का डिफरेंस आप देख सकते हो। फिर मैं इस तरफ भी स्ट्रेटनिंग कर लूंगी। सो गाइस आप लोग देख सकते हो कि मैंने मेरा हेयर को स्ट्रेटनिंग कर लिया एंड वो दिखने में कितना अच्छा लग रहा है एंड एक स्मूथ एंड सिल्की इफेक्ट भी आया है हेयर में। सो गाइस इस स्ट्रेटनर को यूज़ करने के बाद मेरा बाल बहुत ही स्मूथ एंड सिल्की हो गया एंड इसमें एक भी नॉट्स नहीं है एंड मुझे बहुत ही पसंद आया ये वाला स्ट्रेटनर। आप भी इस स्ट्रेटनर को खरीद सकते हो एंड इससे इतना सुंदर इफेक्ट आता है बालों में, बहुत ही मैनेजेबल लग रहा है मेरा बाल। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको कैसा लगा वीडियो एंड जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ गाइज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को दे सकूँ। सो गाइज प्लीज़ सपोर्टिंग मी एंड कीप लविंग मी।